नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया स्पिरिचुअल में। दोस्तों माना कि बाली दोषी हैं, परंतु भगवान राम ने बाली का वध छुपकर क्यों किया? क्यों नहीं आमने सामने छाती पर ठोकर युद्ध किया? क्या वो बाली के सामने आने से डरते थे? ये बात काफी मजेदार है कि अगर श्री कृष्ण ने इस तरह से बाली को मारा होता तो सवाल नहीं उठता। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए ये बात उठती है। अगर हम इन सबको सामान्य प्राणी माने तो क्या समीकरण बनते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। बाली एक वानर था। वानर अनार्य होते थे, मतलब वो शरीर से भले ही बहुत ताकतवर रहे हों, मल युद्ध में वो निपुण थे, पर युद्ध कला में वे पिछड़े थे। कोई भी वानर गदा, तलवार या धनुष बाण से नहीं लड़ता था। ये लोग केवल मुक्के, चट्टान, नाखूनों से लड़ते थे। बाली में शारीरिक शक्ति भले ही बहुत सारी रही हो, पर वो तीर कमान का सामना कैसे करता? अगर द्वंद्व युद्ध होता तो राम एक तीर से बाली को फिर से मार देते। ऐसा कोई नियम नहीं होता कि बाली धनुष की कला नहीं जानता हो तो उस पर तीर नहीं चलेगा। राम ने कितने ही जंगली राक्षसों को एक तीर से मारा जो कोई हथियार नहीं रखते थे। बाली को यह वरदान था कि सामने आने वाले का बल उसके सामने आधा हो जाता था। हालांकि ये बात थोड़ी सी अतार्किक सी लगती है। आदि शक्ति का क्या मतलब हुआ? राम तो धनुर्धारी थे, तो क्या उनकी आदि विद्या बाली को मिल जाती जिसने हाथ से कभी धनुष तक नहीं पकड़ा था? दरअसल ये एक रूपक रहा होगा, क्योंकि वानरों में बाली सबसे शक्तिशाली था। उसको देखते ही सामने वाले का मनोबल कम हो जाता होगा। इसको कहा गया है आधा बल कम होना। जैसे क्रिकेट में माना जाता है कि हरभजन सिंह को देखते ही रिकी पॉन्टिंग का आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता था, वो जल्द ही आउट हो जाते थे। क्या रोहित शर्मा उल्टे हाथ के तेज गेंदबाज के सामने कमजोर है? सुग्रीव को इस बात का डर लगा होगा कि अगर बाली और राम आमने सामने हो गए तो बाली राम के शरण में चले जाएंगे, इसीलिए उसने राम से अनुरोध किया कि वो बाली के सामने ना आए। बाली और सुग्रीव में से चुनना होता तो राम जी हमेशा सुग्रीव को ही चुनते, क्योंकि वो भी सताया हुआ था। इसीलिए जब सुग्रीव के प्राणों पर संकट आया तो उन्होंने अपने दोस्त की मदद की। बाली खुद छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ रखे हुए था। राम जी उसको कभी मदद नहीं देते। भगवान राम का असली मकसद रावण से युद्ध करना था, और सेना बनाकर बाली के साथ लड़ना समय और संसाधनों की बर्बादी होती, पर वो भी अन्यायी था, इसीलिए उसे मानना जरूरी था। भगवान राम को बाली पर भरोसा नहीं होगा कि प्राणदान देने के बाद वो अच्छे से राज्य चलाएगा, अत्याचार अनाचार बंद कर देगा। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि अगर रावण माता सीता को लौटा देता तो भी राम जी उसको इसी शर्त पर जीवित छोड़ते कि वो भविष्य में किसी और पर अत्याचार नहीं करेगा। भगवान राम सिर्फ अपनी या फिर सुग्रीव की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बाली और रावण मन के थे, इसीलिए इनका सुधरना काफी मुश्किल था, इसलिए इनकी मृत्यु भगवान राम के हाथों तय थी। आपको क्या लगता है इस पूरे के पूरे जानकारी के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।